www.mandeyfriends.com/devlog। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग स्वस्थ हो, मस्त हो। और फ्रेंड्स, आज है मंडे। मंडे के अभी बजे है दोपहर के 12:30। मैं अपना घर का सारा काम हो गया है, रेडी भी हो गई हूँ, नहा लिया है, फ्रेश हो गई हूँ। और हम लोग पिछले 4 या 5 दिनों से थे बाहर। मैं जूनागढ़ गई थी अपनी जो स्किन ट्रीटमेंट मैं करवाती हूँ वो करवाने। उसके बाद गए थे हम लोग राजकोट, वहाँ पे भी 2 दिन रुके थे। फिर मैंने वहाँ पे अपने बालों में थोड़ा सा केराटिन करवाया और बस 1-2 दिन वहाँ पे भी रुके सब लोगों के साथ। थोड़ा सा अभी वेकेशन चल रहा था तो कहीं मैं गई नहीं थी, तो सोचा कि अब थोड़ा 1-2 दिन जूनागढ़, 1-2 दिन राजकोट होके आ जाता है। वैसे गर्मी बहुत है इसलिए कहीं जाने का इतना मन नहीं कर रहा था। और बस अभी कल रात को ही वापस आ गए हैं। घर पे आने के बाद जो सुकून लगता है ना, वो कहीं नहीं है। बस अभी थोड़ा सा घर में कल साफ़ सफाई किया, अभी भी बस वही सुबह से चल रहा है। थोड़े से कपड़े जो हम लोग लेके आए थे, थोड़ी सी शॉपिंग भी करके आए थे, तो उन सबको ही मैं अभी सही रख रही थी। तो बस चलिए आज से फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या काम करते हैं। वैसे अभी 1-2 दिन रहेंगे, जो कि बाहर के काम है, फिर घर का भी काम है। और बस राजकोट गई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर के लिए सारी चीज़ें थोड़ी सी देखनी थी इसलिए गई थी। सो बस चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और यस, आज बनने वाली है पाव भाजी। अभी लंच में बनाऊंगी क्योंकि ब्रह्म के पापा कल माधोपुर गए थे तो वहाँ से बहुत सारा नाश्ता वगैरह लेके आए हैं। सो देखिए, ये देखिए वहाँ की बेकरी में से पाव लाए हैं, फिर ये खारी है, और इतनी बड़ी ब्रेड का पैकेट लेके आए हैं। साथ में टोस्ट है, 2 टाइप के टोस्ट है, ये टूटी फूटी वाले टोस्ट है ये वाले। सो अभी ये पाव को यूज़ नहीं करूँगी, तो अभी गर्मियाँ बहुत है तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसकी मैंने भाजी बना दी है। एंड यहाँ पे मैंने सारी ही वेजिटेबल्स को बॉईल कर दिया है। सो देखिए अच्छे से ये कुक हो गए हैं, हाँ हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और चलिए अभी बनाते हैं एकदम फटाफट से मुंबई स्टाइल भाजी। तो चलिए फिर से लग जाते हैं किचन के कामों में। अभी 4-5 दिन तो छुट्टियां थी किचन के काम से, तो अच्छा था। अब यहाँ पे भी गर्मियाँ बहुत लग रही है, बिना पंखे के रह नहीं पाती। सो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। सो चलिए फटाफट से किचन में लग जाते हैं। सो अब लग जाते हैं वापस से किचन में खाना और बाकी सब तैयारियाँ करने के लिए। और यहाँ पे आज तो इस बार क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा कुछ घर में इतना कुछ काम मेरे लिए ज़्यादा नहीं बढ़ाया था। और कल मैं जैसे ही आई 6:30 बजे आई, उसके बाद से ही घर वैसे भी क्लीन ही था, जैसे अभी जैसा दिख रहा है ना वैसा ही कुछ था। सो मुझे आने के बाद ज़्यादा कुछ घर में काम नहीं करना पड़ा। बट ये सारी जो चीज़ें वो लेके आए थे ना, बस वही मैं देख रही थी। तो ये एक शरबत लाए थे एंड मुझे ये इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगी एंड मेरी बचपन की याद ताज़ा हो गई। मेरी मम्मी भी गर्मियों का जब टाइम आता था ना, तब शरबत के बड़ी बड़ी बोतलें भर के फ्रिज में रख देते थे कि कभी भी कोई पहले गेस्ट बहुत आते थे, आजकल तो गेस्ट कम हो गए हैं, बट पहले गांव में तो बहुत ही गेस्ट आते थे, तो उनको ये पानी वाला जैसे शरबत है ना वही हम लोग देते थे। तो बस उसी की मुझे याद आ गई और बस अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। एंड यहाँ पे पानी पीना बहुत ज़रूरी है, अभी गर्मियाँ इतनी हैं कि पूछो ही मत। राजकोट में तो जैसे बाहर निकलते हैं ना तो आग जलती है, बिल्कुल एकदम गर्म गर्म लू आती है। पोरबंदर का वेदर राजकोट और जूनागढ़ से तो काफ़ी बेटर है, बट किचन में तो गर्मी लगती ही है क्योंकि पंखा हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पे फटाफट सब्जियाँ बॉयल हो गई है, मैंने कुर्ती जो लाइट कलर है ना, तो हर बार इसमें छींटे हुए खराब उड़ते हैं ना, तो फिर हर एक कुर्तियाँ मेरी ख़राब हो जाती है। तो अब से मैंने सोचा है कि जब भी मैं कुकिंग करूँगी ना, उस टाइम पर मैं एप्रन तो ज़रूर से पहना करूँगी। सो चलिए अब बस यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो बॉयल करके सब्ज़ियाँ रखी थी ना, उसको मैं अभी ही यहाँ पे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ ये पोटैटो मैशर से, और एकदम क्विक वाली फटाफट से भाजी बनाऊँगी। और मेरे पास बहुत ही लिमिटेड वेजिटेबल्स पड़े थे, वही सब मैंने थोड़ा थोड़ा उसमें मिक्स ऐड कर दिया है। और यहाँ पे आज मैंने ऑयल रखा है एंड उसके अंदर एकदम बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड कर दी है। मेरे पास बटर नहीं था,
वरना ज़्यादातर तो मैं जो भाजी, पाव भाजी की भी भाजी होती है वो मैं बटर में ही बनाती हूँ। बटर वाला टेस्ट बहुत अलग लगता है और अच्छी भी लगती है। बट मैंने अभी देखा जस्ट कि फ्रिज में बटर तो है ही नहीं, बट अभी कौन लेने जाएगा इतनी धूप में। सो ऑयल वाले काम से ही, मतलब ऑयल से ही काम चला लूँगी। सो देखिए, प्याज अच्छे से भून गई है, उसके साथ ही मैंने लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर दी थी, टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ी देर सभी चीज़ों को पका दिया है। देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब यहाँ पर सारे ही बेसिक मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर भी ऐड किया था, और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला ऐड किया है। पाव भाजी मसाला मैं फ्रिज में रखती हूँ, और ज़्यादातर ये जो रेडी पैकेट वाले मसाले आते हैं ना, वो फ्रिज में रखने से उसका टेस्ट थोड़ा सा डल हो जाता है, इसलिए मैं उसको इस तरह से ऑयल में ऐड कर देती हूँ और थोड़ी देर अच्छे से उसको भूनती हूँ, ताकि मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, वो थोड़ा सा एनहांस हो जाए। अब यहाँ पे देखिए टमाटर की, ये देसी टमाटर की स्किन बहुत ही कड़क होती है, वो आसानी से गलती ही नहीं है। सो पोटैटो मसाला लेके मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसके अंदर ऐड कर दी है ये भाजी वाला पूरा ही, जो मैंने मैश करके रखा था वो। और मुझे भाजी ना बीच में बड़ी बड़े जो सब्जियों के चंक्स आते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते, इसलिए मैं एकदम से भाजी को इस तरह से पूरा ही मैश कर देती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही पसंद आता है। सो यहाँ पे अभी मैं मटर मेरे पास थे फ्रोज़न वाले, तो मैंने उसी को मतलब बॉईल करने के साथ ही ऐड कर दिए थे, एंड ऊपर से लेमन डाल दिया है, हरा धनिया ऐड कर दिया। थोड़ी देर इसे पकाएंगे और गर्मा गर्म क्विक वाली भाजी यहाँ पर बन के रेडी हो गई है। एंड भाजी को ऑलवेज मैं पापड़, छाछ है, टमाटर, प्याज, इन सब चीज़ों के साथ ही सर्व करती हूँ। रूखी सूखी भाजी और पाव खाना मुझे पसंद नहीं आता, तो ये है क्विक वाली मेरी पाव भाजी की डिश रेडी। चलिए अब सुकून से अंदर बैठ के ऐसी मैं अपना लंच है वो एंजॉय करूंगी। सो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाती हूँ राजकोट जूड़ियो में से मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई। मुझे जूड़ियो का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से जूड़ियो तो मतलब सारी जगह पर ब्रांच ओपन हो गई है, बट आज तक मैंने उसके रिव्यूज़ कहीं नहीं देखे, ना ही किसी मतलब घर के जो रिलेटिव होते हैं उनमें से किसी से बात हुई, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे जो रिव्यूज़ है वो आपको भी हेल्पफुल हो सके। वीडियो में से अगर आपको भी कुछ शॉपिंग करना है तो मन खोल के शॉपिंग कीजिए। सो चलिए, और काफ़ी बहुत ही सस्ती है, मतलब इकोनॉमिकली अच्छी ब्रांड है, और मुझे लगता है कि इंडिया के हर एक लोगों का जो ड्रीम होता है ना कि मॉल में से शॉपिंग करें, वो उसमें फुलफिल हो सकता है। सो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, वहाँ से मैंने बेसिक टी शर्ट्स लिए हैं घर पे पहनने के लिए, जो कि मैं रेगुलरली घर में टी शर्ट्स ही पहनती हूँ। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सबसे पहले है ये वाला क्रॉप टॉप, देखिए। एक्चुअली फिर ये ना जब मैं लेके आई थी उसके बाद से पूरा बैग में इधर उधर ऐसे ही सारी चीज़ें डाल दी है, तो थोड़ी सी इसमें क्रीज आ गई है, बट कोई नहीं। ये मैंने फ्लैट 199 रुपीज़ का लिया था, ये एक क्रॉप टी शर्ट है और बहुत ही मिनिमल प्रिंट्स होती है इसमें, और इसके कलर भी बहुत अच्छे हैं। मैंने एक्चुअली सारे ही साइज एल ली है अपने लिए। दूसरी है ये वाली एक ब्लू टी शर्ट, ये थोड़ी सी फुल है, और इसमें भी ये देखें तो बहुत ही मिनिमल, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंट है। मुझे इसी टाइप की टी शर्ट्स अच्छी लगती है मुझे, देखिए। फिर ये है ये एक तीसरी वाली टी शर्ट, ये ना ही फुल है ना ही क्रॉप है, और ये साइज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसकी प्राइस देखिए ओनली 199। और है ये पिस्ता ग्रीन कलर, ये कलर भी बहुत अच्छा है, और इसकी भी प्राइस देखिए ओनली 199। सारी ही टी शर्ट्स 199 की ही है। ये पूरा प्लेन है, और एक ये वाला मैंने वन पीस लिया है, देखिए पूरा कॉटन का है और बहुत ही सॉफ्ट मलमल कॉटन है, और इसकी नेकलाइन भी काफी अच्छी है, देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी ये जो क्रोशेट की बॉर्डर की है, पीछे भी इसकी देखिए एकदम बढ़िया सी फिनिशिंग आएगी। मैंने इसको पहन के ट्राई किया था वहीं पे, बट इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है।
रखी है। अब बारी आती है थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो चलिए वो मैं आपको दिखाती। कॉस्मेटिक्स में सबसे पहले लिया है मैंने मेकअप रिमूवल वाइप्स है, इसमें 100 पीसीज आते हैं और ओनली 79 रुपीज़ के हैं। ये जो भी कॉस्मेटिक्स में दिखा रही हूँ वो फ्लैट फ्लैट तो नहीं बट 79 अप टू 79 वाले ही सारे हैं प्रोडक्ट्स, 5 से 6 प्रोडक्ट है। और सबसे पहले ये वाले देखिए मेकअप रिमूवल वाइप्स है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, 79 रुपीज़ में 100 पीस आते हैं। प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी और एकदम बड़ी साइज़ के है, ऐसा कि नहीं है कि एकदम छोटे छोटे हैं। सो यस, आप अगर डेफिनेटली इसको बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर से इसे कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रोडक्ट नंबर 2 ये है, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर एक लिया है। वैसे ब्यूटी ब्लेंडर काफ़ी सारे मार्केट में आते हैं, 50 रुपये से शुरू होकर ये 800, 900, 1000, 1500 बहुत सारे प्राइजेज़ में अवेलेबल है, बट ये ओनली 79 रुपीज़ का था और इसका स्पंज भी बहुत अच्छा था। सो तीसरी प्रोडक्ट है नेल पॉलिश रिमूवल वाइप्स है, वो ओनली 49 रुपीज़ के 30 पीसेज इसमें आते हैं और ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ में थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटा है। मुझे लगता है कि एक ही ये वाला जो वाइप्स है ना उससे पूरे हाथों और पैरों के जो नेल्स है वो रिमूव आसानी से हो जाते हैं। और बस आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट नंबर है शायद 4 और ये है सनस्क्रीन वाइप्स। ये तो बहुत ही मस्त है और वैसे भी ये SPF 15 के साथ है। मुझे लगता है कि सनस्क्रीन वाइप्स मैंने पहली बार यूज़ किया है और पहली बार किसी ब्रांड में देखा है, और 49 रुपीज़ में 15 पीस आते हैं और उसकी जो वाइप्स है उसकी साइज़ भी नॉर्मल जो हम मार्केट में लेते हैं उसी के टाइप की है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा पैकेट है तो छोटे छोटे वाइप्स है, बहुत ही अच्छी वाइप्स है और मुझे काफ़ी इसका पैकेजिंग अच्छा लगा, कहीं पे भी अगर जाओ तो पर्स में आसानी से रह जाता है। और ये है प्रोडक्ट नंबर आई थिंक 5, ये मैंने क्लच लिया है 2 और वो शायद 79 रुपीज़ के 2 थे, और ये है 2 नेल पेंट मैंने ली है, एक है 79 रुपीज़ की, ये ग्लिटर वाली है, ग्लिटर वाली ट्रांसपेरेंट के अंदर ग्लिटर है तो मुझे ट्रांसपेरेंट नेल पेंट बहुत अच्छी लगती है, इसमें थोड़ा सा ग्लिटर है तो अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से पार्टीज़ में अगर हम जाते हैं तो। मुझे ज़्यादा नेल डार्क कलर्स के पसंद नहीं आते तो ज़्यादातर मैं लेती हूँ तो पिंक या फिर ट्रांसपेरेंट ही लेती हूँ, तो ये वाला पिंक जो है वो मेरा फेवरेट है, इससे पहले भी मैंने ये कलर की 3-4 बॉटलें ख़त्म की है। और फ्रेंड्स साथ में देखिए मैंने ये वाली जूड़ियों में से एक चप्पल भी ली है, बहुत अच्छी है, कम्फर्टेबल है। और एक बात है कि ये किसी भी आउटफिट के साथ बहुत अच्छी जाती है, जैसे जीन्स के साथ भी पहन लीजिए, कुर्ती के साथ भी अच्छी लगती है। ओनली 500 रुपीज़ की आई थी ये। सो फ्रेंड्स, वीडियो की शॉपिंग के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को आपको करना है लाइक, शेयर और कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।